जी हाँ, पहले आप लोग सुन चुके हैं कि स्टोरी की कॉपीराइट होते हैं, गानों के होते हैं, लिरिक्स के होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, तो अभी तक कोरियोग्राफी के नहीं हुए थे। तो इस फिल्म के साथ वो भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि जितने भी गाने हैं, जितने भी कोरियोग्राफी स्टेप्स हैं और जितने भी परफॉर्मेंस हुए हैं इस फिल्म में, उसके कॉपी राइट्स कर रहे हैं। नाउ ओनली आई केम टू नो दैट, नाउ ओनली आई केम टू नो दैट, हाउ इट इज पॉसिबल आई डोंट नो, दैट्स नाउ आई आस्क्ड हिम, अरे इज इट पॉसिबल लाइक दैट, बिकॉज एवरीबडी विल डांस इज लाइक आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दैट, हाउ इट इज पॉसिबल आंसर। या मेरे ख्याल से क्यों नहीं मिलना चाहिए, लिरिक्स वालों को मिलते हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं उनको मिलता है, डायरेक्टर को मिलने लगे हैं और इनफैक्ट प्रोड्यूसर को मिलता है, सबको ही मिलता है, तो फिर कोरियोग्राफर के पीछे था भैया, उनको भी मिलना चाहिए। बहुत ईजी था, इनके तीनों ये जितने भी खड़े हैं मेरे साथ और जो हैं भी नहीं यहाँ पे, जैसे गणेश चार्य हैं, के जी हैं, इनको हैंडल करने में बहुत ईजी था, क्योंकि ये खुद भी डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, डांसर्स हैं, सब कुछ हैं, तो इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है और डायरेक्टर की डायरेक्टर को जानते हैं कि डायरेक्टर को क्या चाहिए होता है। सो मेरे लिए इनको नचाना, इनको एक्ट कराना वॉज द ईजिएस्ट पार्ट।